यह कंपनी निर्माण महत्व के मारले है, यह कंपनी सांसद सुनील महत्व के मारले है, की गलत कहले यार। अगले मंच में हम कहते हैं, प्रशासन के सामने कहते हैं, इसी कंपनी ने, यही कंपनियों ने निर्मल महतो और सांसद सुनील महतो का मर्डर किया। जाइए इतिहास उठा के देखिए, 2007 में जो सांसद रहते हैं सुनील महतो की हत्या हुई है, उसमें टाटा जमशेदपुर की एक नामी कंपनी के हाथ है। तो अगर हम अगर उस भाषा में बात करते हैं तो कौन सा अपराध किए हैं आपने, क्या नहीं छीना हमारा घर द्वार गांव परिवार, क्या मिला हमको, बीमारी कैंसर टीबी अस्थमा रोग मिला हमको, और नौकरी किसको मिला, जिसका सर्वा एक बित्ता जमीन नहीं गया। इसलिए अपने अंदर की बुजदिली को बाहर कीजिए, एक संसद ने हमारे लिए जान दिया है ना भाई, अगर वो चाहता तो पेंशन से अपना जीवन भर सकता था, तो हम और आप कौन है। इसीलिए अपने अधिकार के लिए जान अगर देने की नौबत आती है तो दीजिए भी, और लेने की आती है तो लीजिए भी। आप नहीं लेंगे तो अगला तो लेगा ही, अगला तो लेगा ही, इतिहास बोलता है, पन्ना पलटिए, प्रत्येक 10-20 साल में तो लेने किया है। पहले लेता था बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के रूप में, रघुनाथ महतो के रूप में, भागीरथ नाथी के रूप में, उसके बाद जब आजाद हुआ भारत तो कभी शक्ति सूदन के रूप में, कभी निर्मल के रूप में, कब बलिदान नहीं लिया है भाई, कब नहीं लिया है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लेता था, अभी कहीं टाटा ले रहा है, कहीं एनटीपीसी ले रहा है, नहीं उद्यम ले रहा है क्या, ले ही रहा है। हाल फिलहाल 2007 में संसद को मार के गिरा दिया है, हाल फिलहाल 2007 में सांसद को मारा है, उससे 20 साल पहले 87 में निर्मल को, 87 में फिर किसी को मारेगा जो झारखंड के लिए बात करेगा, लिख लीजिए, मरना ऐसे है। इसलिए अब यदि कोई हमको मारने का प्रयास करता है उसको उस भाषा में उत्तर दीजिए, ऐसे नहीं तो मर जाते हैं, दारू पी के किडनी फेफड़ा खराब होकर मर जाते हैं, कब नहीं मरते हैं, ऐसे मौत है, ऐसे मौत है, कंपनी का धुआं से मौत है, उससे जो गैस निकलता है उससे मौत है, बुढ़ापे में कैंसर से मासूम बच्चा मर गया, और एक बच्चा का कैंसर हुआ, ऐसे तो मर रहे भाई। इसलिए एक बार नियम से मांगिए, अधिकार से मांगिए, कागज कलम से मांगिए, भारत के संविधान से मांगिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उत्तर दीजिए। 20-22 साल बाद झारखंड एक खंडहर हो जाएगा, लिख के बोल देते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम मजाक बोल रहे हैं, माइक मिला है कुछ भी बोल रहे हैं, गाड़ी पकड़िए, बुखार होते धनबाद घूम के आइए, अरे अभी तो मत जाइए, अरे बाप ने तो ऐसे खदान सब, अरे गर्मी का धुआं धुआं ऐसे मर के जाइए, अभी मत जाइए, शाम शाम को घूम के आइए, पूरा 10-10, 20-20 किलोमीटर खंडहर हो गया है। यानी आने वाले 20 सालों में यदि कंपनियों पर लगाम नहीं लगता है, इनमें अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, अगर इसी तरह का इन पर कोई पाबंद नहीं लगता है, 20 साल में झारखंड आधा खंडहर बन जाएगा। सामने है, आंकड़ा सामने है, कहीं जाके देखिए, हर तरह से नदी नाला तो बेकार हो गया है, सही बोल रहे हैं, दामोदर पानी, दामोदर नदी का पानी आप शौचालय में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इससे हम लोग का पूर्वज लोग पानी को पीने का काम करता था, किसके कारण, सब फैक्ट्री और कंपनी के कारण, क्यों भाई, यदि सारा प्रोटोकॉल सारा गाइडलाइन एक आम व्यक्ति के लिए, सारा गाइडलाइन संविधान का दांव पेच, कानून का डर, पुलिस का लाठी, एक आम व्यक्ति के लिए है, आज बड़ा बड़ा उद्योगपति के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए देश के पांचवें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक बार बोलते थे, नाम सुने होंगे आप लोग, चौधरी चरण सिंह देश के शायद पांचवें प्रधानमंत्री थे, कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलियान पर और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर, यानी पॉलिटिक्स में भी नजर रखना किसान, ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी करके एक दो कुआ पी के घरे तक सीमित रहना, पॉलिटिक्स में नजर रखना, क्या पता लाल किला के मचान यानी संसद में कोई उद्योगपति का दलाल चला जाए तो एक बित्ता जमीन नहीं बचेगा, उसी का उदाहरण है कृषि कानून। हो सके आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेम करने वाले दो चार को अंध समर्थक होंगे, लेकिन हम लॉजिकली बता देते हैं, ये कानून कब आया था, भारतीय संविधान आर्टिकल 123 अनुच्छेद का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के विशेष अध्यादेश से आया था,
ये कानून का प्रयोग कब होता है पता है? जब देश में कोई इमरजेंसी आता है, जब देश में कोई बाहरी कंट्री आक्रमण करता है या देश में कोई बहुत बड़ा आपदा आता है, तब इस कानून का प्रयोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति कर सकते हैं। कृषि कानून उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस समय देश में कोरोना था, समझ सकते हैं क्यों न कोरोना है। गाइडलाइन है 144 है, बहुत सारा बैरिकेडिंग है, लोग सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे। इसीलिए माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखियो खेत खलियान पर, दूजा लाल किला की मचा। आज उनकी एक एक बात सही साबित हो रही है। आप किससे उम्मीद लगाते हैं? इससे पहले झारखंड में एनडीए की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया, बनाया कि नहीं? हम छोटा लड़का है, हमको नॉलेज नहीं है। आप बताइए, जीएम यानी गैर मजरूआ लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। लैंड बैंक मैंने क्या, उसमें सरकार अपने अनुसार किसी को जमीन आवंटन कर सकता है। और जीएम लैंड मैंने क्या, उसमें रैया अपने अनुसार घर ना घोर सकता है, समझना होगा। और वर्तमान सरकार किया कि मैं ये लैंड पुल बिल, ये भी एक बिल लेके आया था, विरोध इसका भी हुआ। लैंड पुल बिल यानी शहर से 20 किलोमीटर तक मनमाने आपका जमीन ले लेंगे। आप बताइए शहर जरूरी है कि गांव? नहीं चाहिए आपका शहर जहां दामोदर नदी करिया करिया हो जाए, नहीं चाहिए आपका वो विकास। तो भैया इन सब बातों को समझना होगा। इसीलिए आज भले लोग कहते हैं कि हम लोग को लीडर बनना है, बिल्कुल नहीं, हम लोग रिफॉर्मर हैं, हम लोग रिवाकर हैं, आपको रिवाक कर रहे हैं, फिर से जगा रहे हैं। एक समय झारखंड आंदोलन के समय लोगों को रात्रि पाठशाला के माध्यम से जगाया जाता था, बस हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम लोग को लीडर नहीं बनना है। आप बनिए, मुबारक हो, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो नियम पूरे भारत में फॉलो होता है वही नियम झारखंड में फॉलो हो। जो कंपनियां पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में बर्ताव करती है वही झारखंड के साथ बर्ताव करे, हम ये चाहते हैं। आपका ताजा उदाहरण होगा ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री बनी, जानकारी होगी आपको। सिंहपुर क्या नाम था गाँव का, आप लोग जानकार लोग बैठे हैं, याद कीजिए, वहाँ नैनो या टाटा नैनो या किसी को लगभग 1000 एकड़ जमीन दिया गया था पूर्व सरकार ने। ममता बनर्जी सड़क पर आकर आंदोलन किया, आज सारा का सारा जमीन रैयत को वापस मिला। लेकिन झारखंड में कोई लीडर नहीं है जमीन वापस करने के लिए, उसी के कारण आज माननीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी है। क्यों न बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, आपकी ताजा जानकारी के लिए बता दें, आज ऑल ओवर झारखंड में जो तापमान है, टेम्परेचर है, 35-36 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सबसे ज्यादा धनबाद रांची का होता है, जमशेदपुर का, क्या कि सब औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ 35-36 है, गोड्डा में 40 हो गए हैं, क्या पता है वहाँ अडानी का पावर प्लांट लगा है, वो विषय नहीं है, वो पावर प्लांट उड़ीसा और बंगाल में लगने वाला था। आपकी जानकारी के लिए पढ़े लिखे लोग, यदि आज भी आप अगर आपको लगता है किसी दल के अगर असमर्थक है तो मेरे लॉजिक को देखिएगा, उड़ीसा बंगाल में वही प्लांट लगने वाला था, उड़ीसा बंगाल ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? ना उसमें जो बिजली का प्रोडक्शन होता वो 100% बिजली बांग्लादेश को जाता, तो उड़िया वाला बंगाल वाला हम लोग बोका है ना, सर्वा जमीन हमारा, मजदूर हमारा, साधन संसाधन हमारा, और बिजली से पसीना हो जाएगा। झारखंड का लोग बोका है, मार के पीट के लाठी से केस करके स्पष्ट पेपर में पड़े होंगे, 100% 767 मेगावाट का बिजली बांग्लादेश। बताइए यदि आज हम लोग नए जागरूक होते हैं, आज यदि अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है, आने वाले सालों में जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये लोकतंत्र को लोग तानाशाही में बदलेंगे, इसका ताजा उदाहरण है। आज जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सत्ता है, बड़ा बाबू उन्हीं का है, डीसीओ उन्हीं का है, एसपी उन्हीं का है, जनता का नहीं। आज समय है, आज कम से कम लोकतंत्र कुछ हद तक जिंदा है। आज अपने आंदोलन के माध्यम से, अपनी जानकारी एकत्रित के माध्यम से, कानूनी दाव पेचों के माध्यम से, आज इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें, अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करें नौजवानों, नहीं तो 20 वर्षों बाद एक ऐसा समय आएगा कि अंग्रेजों से भी भयानक गुलामी होगी, अंग्रेजों से भी भयानक होगी। आप इसे एक मन घड़ंत कहानी नहीं समझे, आप लॉजिकली कभी भी यदि आपको अपने पर्सनल लाइफ से, इस मौज मस्ती की जिंदगी से अगर समय मिलता है, फुर्सत मिलता है, तो सोच के देखिएगा इस राज्य और देश के हालात की, आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है।
इसलिए आज आपसे हमारा प्रार्थना होगा, सभी से हमारा निवेदन होगा, ये राज्य हमारा है, ये जल जमीन जंगल पर अधिकार हमारा है, इसे हम किसी भी सूरत हाल में किसी को नहीं देंगे, और यदि लेगा तो बिना शर्त के नहीं, शर्तों के साथ लेंगे। और हम तो साफ साफ कहते हैं, यदि कभी जमीन अधिग्रहण का विषय हो तो वहां तीन ही लोग रहे, एक सरकार के लोग, दूसरे कंपनी के लोग और तीसरे ग्रामीण, वहां तय होगा, जो भी तय होगा सामूहिकता के साथ तय होगा। यही आप चले जाइए बराही के साइड में, आज भी वहां जो एनएच का चौड़ीकरण हुआ कलकत्ता से दिल्ली, हमारा तो चाची घर है, वहां लगभग सिक्स लेन बन चुका है, गोविंदपुर बरवट्टा में भी सिक्स लेन, राजगंज में भी, डुबरी में भी, श्री में भी, निमियागढ़ में भी, लेकिन बरही में नहीं बना है, पता नहीं, वहां जाके पूछे तो उन लोग बोला जमीन हम लोग का है, बसाते हम लोग करेंगे।